फ्रेंड्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का रिलेशन देख चुके हैं और उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे वो सारे हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि क्यूबिक पॉलीनोमियल होता क्या है। तो हम लोग ये पढ़े थे कि अगर डिग्री के बेसिस पे पॉलीनोमियल का क्लासिफिकेशन किया जाए तो वहां पर ये क्यूबिक पॉलीनोमियल आता है जिसका डिग्री क्या हो, 3 हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जीरोज और कोफिशिएंट के बारे में रिलेशन स्टेबलाइज करना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल। देखिए, यहां पर ये आपके माइंड में होना चाहिए कि जितना डिग्री होता है ना किसी भी पॉलीनोमियल का, जितना डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज भी होता है। क्यूबिक पॉलीनोमियल में नंबर ऑफ डिग्री जो है वो 3 है, तो डिग्री इसका 3 है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलीनोमियल का वो कुछ इस प्रकार से होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पर ये तो हमारे पास पॉलीनोमियल आ गया, उसके बाद अल्फा बीटा और गामा हम जीरोज माने हैं, देन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा आर फैक्टर ऑफ, अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है ये तीनों फैक्टर होगा। आप 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि अगर कोई वैसा वैल्यू जिसे पुट करने पे वो पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई करे तो x माइनस जो डिजिट है, जो नंबर है, उसको अगर ले आए तो वो उसका फैक्टर होता है। ठीक है, या फिर रिमाइंडर थ्योरम भी एक ही जैसा है, दोनों एक ही जैसा है। वहां पर रिमाइंडर थ्योरम में उस वैल्यू को पुट करने पे अगर रिमाइंडर कुछ रेस्ट बच रहा है, अगर रेस्ट कुछ बच रहा है तो वो रिमाइंडर हो गया, और अगर रेस्ट हमारा जो 0 आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसको हम फैक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। और अगर ये तीनों फैक्टर है तो क्या हम लिख सकते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ये हम लिख सकते हैं। अब यहां पर आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि ये के क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए जाहिर सी बात है अगर कुछ इस तरह का हमारे पास पॉलीनोमियल होता, 5x³ प्लस 10x² प्लस 15x प्लस 15, कुछ इस तरीके का रहता, तो यहां से जाहिर सी बात है 5 कॉमन करते तो हमारा आता है x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, और ये 5 हमारा कॉमन, इसी को k से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर इसका तो 3 फैक्टर इसका आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 फैक्टर में डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहां पे 3 फैक्टर तो कुछ भी आएगा ना, और ये जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है कांस्टेंट टर्म को ही हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर अगर मान लेते हैं कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होता तो 1 तो होता ना, और उसी 1 को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं के से। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आगे हम प्रोसीड करें तो इस साइड में लेफ्ट साइड में हमें कुछ नहीं करना, इसको जस्ट कॉपी आप करते जाइए क्योंकि लास्ट में कंपेयर बस हमें करना है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो के को हम रहने देते हैं और दो दो करके मैं सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, अगर एक्स इंटू एक्स करें, पहले ये दोनों को सॉल्व करते हैं तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये दोनों को अगर हम करें तो माइनस अल्फा एक्स होगा, और फिर x इंटू बीटा अगर करें तो माइनस बीटा x, और फिर ये दोनों को करें, ठीक है, मतलब कि अल्फा और बीटा को, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक तो हमारे ये दोनों को मिक्स किए तो ये टर्म आया, मतलब कि प्रोडक्ट किए तो, और दूसरा हमारे पास x
और गामा बचा हुआ है, ठीक है। ये वाई नहीं है मेरे भाई, आप समझ जाना थोड़ा सा, ऐसा मत समझना कि ये वाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास बचा, ठीक है। अब इसको आगे की ओर प्रोसीड कर रहे हैं, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इधर वाले को कॉपी बस कर देना है, ठीक है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब के को बाहर रहने देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अगर करे तो एक्स क्यूब, अल्फा एक्स इंटू एक्स करे तो माइनस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, बीटा एक्स इंटू एक्स करे तो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, और ये अल्फा बीटा इंटू एक्स तो प्लस अल्फा बीटा एक्स। अब वहां गामा है तो गामा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू गामा, ठीक है। ये दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स बीटा एक्स इंटू गामा, तो ये प्लस में हो जाएगा अल्फा गामा एक्स, ठीक है। और ये दोनों को मल्टीप्लाई फिर करेंगे बीटा एक्स और गामा, तो ये माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस बीटा गामा एक्स, और ये हो जाएगा इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा बीटा इंटू गामा, तो अल्फा बीटा गामा लेकिन नेगेटिव के साथ, तो अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, और ठीक है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया, ये के को बाहर रहने देते हैं, और यहाँ पर जो पावर के अकॉर्डिंग सबको अरेंज कर देते हैं, ठीक है। ये एक्स क्यूब अकेला है, स्क्वायर वाले टर्म में अगर हम माइनस कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पर तीन टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म, दो टर्म और ये तीसरा टर्म इस एक्स स्क्वायर के साथ, तो अल्फा बीटा प्लस गामा, ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम एक्स को कॉमन करें, एक्स को कॉमन करें तो ये पहला टर्म अल्फा बीटा, दूसरा टर्म अल्फा बीटा, हालांकि मैं ये लिख देता हूं इस तरीके से, अल्फा बीटा बीटा गामा और फिर अल्फा गामा, ठीक है, ये हो जाएगा। और तीसरा हमारा टर्म क्या होगा, माइनस अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अब इसको हम के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा के एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। यहां पे हो जाएगा के एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस के अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट आया, अब हमें कुछ काम करना नहीं है, बस यहाँ पे कंपेयर कर देना है, ठीक है। जैसे कि ये सॉरी एक्स क्यूब होगा, ठीक है, यहाँ एक्स क्यूब और यहाँ पर भी एक्स क्यूब, मीन्स के का के इज इक्वल टू क्या आया, ए आया, ठीक है। के का वैल्यू मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, मतलब कि माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू जो आया वो बी आया, ठीक है। एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ साइड कर दिया तो बचा रेस्ट, क्या बचा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हटा रहा हूँ तो ये किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल आ रहा है। तीसरा अगर देखें तो के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है, अल्फा गामा का वैल्यू कितना आ रहा, अगर x को मैं हटा दूं तो इधर अगर x हट जाए तो ये c आया, ठीक है। और चौथा जो हमारा है वो माइनस के अल्फा बीटा और गामा, तो ये किसके इक्वल है, d के इक्वल है। अब देखिए तो a का वैल्यू हमारा k आया है, ठीक है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई के, ठीक है, और के का वैल्यू कितना है, ए है, तो हम यहां लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का रिजल्ट हमारा आया माइनस बी बाई ए। अब देखिए यहां पर इसको अगर हम फाइंड आउट करें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाई के, और सी बाई के का वैल्यू हम पुट करेंगे तो ए, तो सी बाई ए आया। और तीसरा अगर हम देखें अल्फा बीटा और गामा तो आ जाएगा माइनस डी बाई के, ठीक है, और यहां से अगर सॉल्व करें तो माइनस डी और के की जगह पे ए पुट करेंगे, ठीक है। तो ये तीन रिजल्ट हमारे पास आया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आया माइनस डी बाई ए। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।